नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे सभी बड़ी सुर्खियों पर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा इंतजार, नामांकन का आखिरी घंटा और टोकन नंबर 45। सीए पर विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को अमित शाह ने दो टूक शब्दों में दिया जवाब, किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा सीए। नागरिकता संशोधन कानून पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा में मुठभेड़, दो जवान शहीद, दो आतंकी भी ढेर। आरएसएस के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। नई दिल्ली सीट से पर्चा भरने जामनगर हाउस पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा लंबा इंतजार। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पर्चा दाखिल करने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा टोकन नंबर 45 है, यहाँ पर्चा भरने के लिए कई लोग लाइन में लगे हैं, मुझे देखकर खुशी है कि लोकतंत्र के इस पर्व में कई लोग शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि जब केजरीवाल जामनगर हाउस पर्चा भरने के लिए पहुंचे तो बाहर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों और विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा जवाब दिया। आज लखनऊ में सीए के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं लखनऊ की धरती से यह घोषणा करता हूं कि जिसे सीए का विरोध करना है करते रहें, ये सिटीजन बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। सीए के समर्थन में आयोजित रैली में अमित शाह ने कहा कि सीए पर विरोधी पार्टियां दुष्प्रचार करके और भ्रम फैला रही है, इसलिए बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है जो देश को तोड़ने वालों के खिलाफ जन जागृति का अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए को लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल सभी इस बिल पर भ्रम फैला रहे हैं। कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काउ 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 कर रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बता रहा हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। इसलिए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज जली फैलाई जा रही है, ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीए के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने पर राष्ट्र की उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में जो कदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाए गए हैं, वास्तव में ये कार्य 1947 के बाद से प्रारंभ हो जाने चाहिए थे। ये समस्या देश के अंदर पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही कांग्रेस नहीं कर पाई,
अन्य विपक्षी दलों को मौका मिला, उन्होंने वोट बैंक तलाश करके देश की कीमत पर राजनीति करना उनका स्वयं का युग धर्म बन गया था। लेकिन पहली बार देश सर्वोपरि है और देश की कीमत पर किसी प्रकार की राजनीति स्वीकार नहीं। स्थिरता शक्ति के साथ जो कदम पिछले 6 महीनों के अंदर उठाए गए हैं, चाहे वह कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का रहा हो, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का रहा हो, या फिर 500 वर्षों के अयोध्या के कलंक को सदैव को समाप्त करके राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य हो, या फिर भारत की परंपरा के अनुरूप शरण में आए हुए की हम रक्षा करेंगे और रक्षा के भाव के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों को, धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारत के अंदर शरण दे करके जो एक महान कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मैं सचमुच उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सचमुच ये कार्य 1947 के बाद 50 में ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आरएसएस के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। प्रयागराज में संत सम्मेलन के दौरान वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, सरकार ने हम दो हमारे दो का नारा दिया तो हिंदुओं ने हम दो हमारे एक को फॉलो किया, जबकि मुसलमानों में 4 और 40 हो गए। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले धार्मिक समुदाय के सब्सिडी में जा रहा है, नए बच्चों के जन्म दर में 52% से ज्यादा बच्चे मुसलमान के हैं, इसलिए खतरा बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद हो गए और साथ ही जम्मू कश्मीर के एसपीओ भी शहीद हो गए। अवंतीपोरा में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी मार गिराया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद खरियू में एक तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी की, सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही की जिसमें आतंकी ढेर हो गए। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से 201 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरा में 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इन नागरिकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस होटल में ये रुके थे उसमें संदिग्ध गैस लीक होने की वजह से वो बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। सभी नागरिकों को आनन फानन में अस्पताल लाया गया जहां उन्हें मृत घोषित। न्यूजीलैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। ईशांत शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान भारतीय टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के पैर में चोट लग गई जिससे वह न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार रवि किशन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा, कहा दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को जमकर धोया, कहा केजरीवाल का पाखंड सबके सामने आ गया है, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी सिर्फ बेवकूफ बना रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एचएस न्यूज के संवाददाता से की खास बातचीत, कहा कपिल सिब्बल बच्चों पर राजनीति कर रहे हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत विराल रूप ले लिया है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। नहीं, देखिए नियंत्रण माने लोग नहीं चाहते तो तुम कैसे नियंत्रण लाओगे, फिर वही इमरजेंसी वाला हो जाएगा, नसबंदी वाला, जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। परंतु लोगों को समझाना चाहिए कि देखो तुम बच्चों को पढ़ाओगे उसमें जो खर्चा है उसके लिए आप बड़े ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। आजकल 5 बच्चे पैदा होंगे तो 5 बच्चा ही जिंदा रहेंगे। मेरे माँ जब थी उसके सामने यही बात थी, 5 बच्चे पैदा करेगी तो 3 ही रहेंगे, 2 मर जाएंगे, उसके पहले 4 मर जाते थे।
तो अब जमाना बदल गया, दो बच्चे पैदा करोगे तो दो बच्चे और उनका ज़्यादा ध्यान दे सकोगे और उनकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा खर्च कर सकोगे। तो इस पर परंतु एक और बात है कि गरीबी अरीमी अमीरी के कारण जो गरीब हैं उनकी बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके जाकर छोटे मोटे काम करके थोड़ा आमदनी जोड़ के आते हैं। अब मुसलमान 600 साल राज करने के बाद भी गरीब है। अब ऐसे राजाओं थे जो उनके अपने समुदाय की विकास नहीं कर सके, तो वो गरीबी होने के कारण वो बच्चे बहुत पैदा करते हैं। तो परंतु इसमें फिर अनुपात बदल जाएगी। हम तो इस देश को हिंदू बहुमत चाहते हैं और वो भी भारी बहुमत की, ये जो 82% हैं सिख और बुद्ध और जैन को जोड़कर, वो उससे हम कम नहीं होने चाहते हैं। तो कानून लाने से अच्छा है कि जागरूक करें लोगों को। जी हाँ बिल्कुल, उनको समझाएं और मुसलमान को भी समझाएं और महिलाओं को समझाएं। अभी मुसलमान तो मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं अल्लाह का देन है जितना हो जाए। अल्लाह का देन तो नहीं है, वो तो महिलाओं से बात करनी चाहिए। और महिलाओं का बोझा तो महिला उठाते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करके इतना श्रम करना पड़ता है। तो ये समझा रहे हो, महिलाओं को पढ़ाने के लिए आना चाहिए, बुरका से हटाना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जो ये महिलाओं को ग़ुलाम बना के रखे हैं। मुसलमान का जो दारुल इस्लाम का जो संस्कृति है वो हमारी नहीं है। इंडोनेशिया में कोई प्रॉब्लम होता है, वहाँ तो पॉपुलेशन प्लानिंग पूरा चल रहा है, सब मुसलमानों ने मान लिया। तो ये हमारे मुसलमान को भी कहना, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान हो, तुम कोई रेगिस्तान का मुसलमान नहीं हो, और इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ोगे तो बराबर होंगे और उसी से आप अपने समुदाय को भी बचा सकते हैं। HS News से खास बातचीत पर बोले बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, मोहन भागवत ने सही कहा, भारत हिंदू राष्ट्र। RSS का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, आप क्या मानते हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, हमारी संविधान में कौन सी बात ऐसी है जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है? हम गाय के प्रतिबंध चाहते हैं हिंदू राष्ट्र में, वो 48 धारा 48 में क्या लिखा है कि देयर शैल बी ए टोटल बैन ऑन काउ स्लॉटर इन द होल ऑफ इंडिया। हाँ, ये 48 धारा 48 में संस्कृत 351 में है, देवनागरी वो भी है 340 में। तो कौन सी ऐसी बात है, सिर्फ एक बात नहीं है कि सिर्फ हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या प्रेसिडेंट बन सकता है, वो तो हम कभी नहीं मानेंगे। हमने इतिहास में कभी नहीं माना, एक ही धर्म के आधार में ये था कि सिर्फ मेरा धर्म के लोग बन सकते हैं राजा, वो था अशोका का, वो बुद्धिस्ट का, वो अशोका के राज में ऐसा था। परंतु तो हम हिंदू ने कभी नहीं कहा, हम तो कितने हमारे कोई सनातन धर्मी है, कोई आर्य समाजी है, कोई नास्तिक है, आस्तिक है, तो दुनिया भर के रास्ते हैं इनको हमने अपनाया है और हम कहते हैं हम हिंदू हैं। एक ही बात है, हिंदू माने सब धर्मों से भगवान प्राप्त हो सकता है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन ये मानते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार चलेंगे तो, और जो हम संविधान में है वो सारी हिंदुओं की बात है, इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र है ही, हम बोलते नहीं हैं बस भारतीय है, क्योंकि हम गणराज्य हैं, गणराज्य को भारतीय कहते हैं, अस्मिता को हिंदू कहते हैं। हमारी अस्मिता हिंदू है और मुसलमान का पूर्वज भी हिंदू है, वो तो हमारी साइंस बोलती है, DNA स्टडीज कहीं भी ले जाओ किसी मुसलमान को देखेंगे तुम्हारा और मेरा और उनका DNA एक ही होगा। तो मोहन भागवत ने बिल्कुल सही कहा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता का मूड, एक नजर उस पर। अरविंद केजरीवाल के काम सब कुछ नहीं है? नहीं, मोदी आएंगे। कल फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा है गारंटी कार्ड जारी करके कि ये काम करेंगे। सब ये ऐसे ही है, इसकी टोपी उसके सिर। 1,00,000 तक भी नहीं, कारण 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ, ना तो कोई सड़क बनी है, ना कोई फुटओवर ब्रिज बनाया है, ना कोई पुल बनाया है, ना शिक्षा का कोई विकास हुआ है। पिछले साल जितने बच्चे फेल हुए थे आज वो एडमिशन के लिए तरस रहे हैं, उसमें 16,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी ही आएगी और रहेगी। क्यों? क्योंकि काम अच्छा किया उन्होंने।
अरविंद केजरीवाल आपको लग रहा है 5 साल तक लोगों को गुमराह किया सर? किया, और अभी उसने क्यों फ्री किया 3 महीने से? उससे पहले नहीं कर सकता, अब इलेक्शन आ रहे इस वजह से किया उसने। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, हाँ, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी तो दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल झूठे मुख्यमंत्री है, सिर्फ वादा करता है, पब्लिक को ठकने का काम करता है। बिजली का या पानी का जो है वो मार्च तक ही रखा है, मार्च के बाद फिर टैक्स लगाएगा और जनता का आंख में धूल झोंक रहा है, और जनता का धूल झोंक के ये बीजेपी को, जनता को पब्लिक बना रहा है, इसलिए हर हालत में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए HS.News। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।